हेलो स्टूडेंट आई एम चंद्रिका कुमारी फ्रॉम मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल विनमार। हमने लेसन नंबर 2 आधा कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे प्राणायाम के स्टेप के प्राणायाम कैसे करते हैं। तो द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम के प्राणायाम करना हम शुरू करेंगे। उसके स्टेप मतलब कि अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाना शुरू कर दिया है, मतलब उनको सिखाना शुरू कर रहे हैं। स्टेप 1, सिट कैमली ऑन मैट एंड क्लोज योर आईज। कि एक चटाई या एक दरी पर शांत मन से अपनी आंख बंद करके आपको बैठ जाना है। स्टेप 2, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। मतलब आप सेकेंड स्टेप में आपको लेफ्ट एंकल मतलब जो बाएं तखने को आपका जो अपन के पैर होते हैं ना वो एड़ियां वो पैर के तखने को राइट थाई पे रखना है। कि पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। फिर थर्ड स्टेप में नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। फिर आपको थर्ड स्टेप में आपको राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखना है। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। डोंट वरी विथ अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। कि आपको ये शुरू करने में तो कठिनाई होगी मुश्किल होगी या आपको ये शुरू करने में आपको कठिनाई होगी। फिर आप इसका अभ्यास करोगे प्राणायाम का तो आप जो जल्दी ही सीख जाओगे। स्टेप 4 में आपको प्रेस यू आर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। स्टेप 4 में आपको राइट नोस्ट्रिल मीन्स होता है नाशा छिद्र, मतलब जो अपने नाक के छेद होते हैं ना उसको नोस्ट्रिल बोलते। तो आप राइट नोस्ट्रिल मतलब दाएं हाथ के अंगूठे से आप अपने दाएं ओर के ही मतलब राइट हैंड थंब मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे से आपको नाक के छेद को मतलब नोस्ट्रिल को क्लोज करके रखना है, मतलब दबा के बंद करके रखना है। फिर आपको दूसरे मतलब बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल से आपको अपनी श्वास को धीरे धीरे क्या करना है उससे आपको श्वास को अंदर लेना है। आपको अपने फेफड़ों तक उसको भरना है, अपने फेफड़ों में श्वास को भरना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। के इस श्वास लेने की प्रक्रिया को इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे पूरक। स्टेप 5 में होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। कि आपको ये 5 या 10 सेकंड तक करना है अपना कि ये 5 और 10 सेकंड तक आपको करना है, मतलब अपनी सांस को 5 या 10 सेकंड तक रोके रखना है। और आप ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन आपको आराम से इसको करना है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभ। कि सांस रोकने की क्रिया को इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे कुंभक। स्टेप सिक्स में नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। फिर आपको इस अंगूठे को हटा देना है और फिर आप उसको तो स्टेप 6 में आपको करना है कि आपको अब अंगूठे को अपने जो श्वास रोक के रखा था ना अब आपको उस अंगूठे को हटा देना है।
और आपको रिंग फिंगर मतलब रिंग फिंगर से मतलब आप जिस हाथ में अपन अंगूठी पहनते उस अंगुली से आपको बाईं और मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। फिर आपके दाईं ओर मतलब राइट नोस्ट्रिल से आपको अपने श्वास को बाहर छोड़ना है। पहले तो अपने क्या किया था, श्वास को अंदर लिया था, अब आपको क्या करना है, उसको बाहर छोड़ना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, मतलब जो श्वास को इस प्रोसेस को अपन रेचक कहेंगे। स्टेप 7th है, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब आपको राइट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को अंदर लेना है। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रेथ अगेन। और वापस आपको श्वास को रोकना है, रोके रखना है। स्टेप 9th में, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। क्या आपको अब अंगूठे से मतलब दाई राइट थंब से राइट कि अब आपको दाई और मतलब राइट नोस्ट्रिल से आपको राइट कि आपको स्टेप 9th में आपको राइट नोस्ट्रिल को आपको अंगूठे से दबाए रखना है और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को क्या करना है, बाहर छोड़ना है। स्टेप 10th है, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। क्या आपको शुरू में सबसे पहले 5 राउंड करने हैं, फिर आपको धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, 15 करना है, 20 करना है, 25 करना है, 30 करना है, ऐसे आपको धीरे धीरे उनको बढ़ाना है। ये था आपका लेसन नंबर टू कंप्लीट हो गया। अब आपको पता चल गया कि प्राणायाम कैसे करते हैं। अब करेंगे हम उसके, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। मतलब शिवम और नितिन को प्राणायाम सीख के करके बहुत खुशी महसूस हुई, खुश हुए वे। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। कि उन्होंने अध्यापक को धन्यवाद किया और वह उन्होंने निश्चय किया कि हम रोज पार्क में जाएंगे और योग कक्षा में उपस्थित रहेंगे और योग प्राणायाम करेंगे। ये था आपका लेसन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। कि एक दिन सुबह नितिन और शिवम कहाँ गए। आंसर, नितिन एंड शिवम वन डे इन द मॉर्निंग वेन टू अ पार्क। कि नितिन और शिवम एक दिन सुबह पार्क में गए, बगीचे में गए। कि वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। आंसर, नितिन एंड शिवम वन डे इन द मॉर्निंग वेन टू अ पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्राणायाम। के प्राणायाम क्या है। आंसर, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। के प्राणायाम श्वास को नियंत्रण करता है। कि प्राणायाम करने से हमारी जो श्वास से वो हम नियंत्रण में रहती हैं। तो व्हाट इज प्राणायाम। आंसर, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के लाभ क्या हैं। आंसर, बेनिफिट
बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. फर्स्ट, इट स्लो डाउन हार्ट रेट, कि यह हृदय गति को धीमी करता है. इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, यह ब्लड प्रेशर को कम करता है. इट रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, यह शरीर और दिमाग को शांत रखता है, मन को भी शांत रखता है. फोर्थ, इट्स इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि हमारे यह जीवन जीने की इच्छा को बढ़ाता है, उसकी यह जीवन की प्रत्याशा को भी बढ़ाता है. फोर्थ है, व्हाट इज पूरक, के पूरक क्या है. तो इन दिस प्रोसेस राइट नोस्ट्रिल इज प्रेस द विथ राइट हैंड थंब, देन वी ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल. दिस इज डन टिल द लंग्स आर फुल, कि यह इस प्रक्रिया में आपको दाहिने मतलब लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल मतलब राइट नोस्ट्रिल से आपको इसमें आपको राइट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड थम मतलब दाहिने अंगूठे से आपको आप दबाए रखना है. और देन वी ब्रीथ इन द स्लोली, फिर आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को क्या करना है, लेना है. क्या करना है, अंदर लेना है. दिस इज डन टिल द लंग्स आर फुल, जब तक आपको लेना है तब तक आपके फेफड़ों में सांस नहीं भरते आपके फेफड़े नहीं भर जाते. तो पूरक के व्हाट इज पूरक, तो आंसर, इन दिस प्रोसेस राइट नोस्ट्रिल इज प्रेस्ड विथ राइट हैंड थंब, देन वी ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल. दिस इज डन टिल द लंग्स आर फुल. फिफ्थ, हाउ डू यू क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रिचक, क्या आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कैसे करते हो, रेचक में आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कैसे करते हो. आंसर, व्हाइल परफॉर्मिंग रेचक वी क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ अवर रिंग फिंगर, कि रेचक करते समय मतलब रेचक करते समय हम अपनी मतलब रिंग फिंगर हम अपनी रिंग फिंगर जिस हाथ में जिस अंगुली में अपन रिंग पहनते हैं उस अंगुली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करके मतलब बंद करके रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेचक. तो हाउ डू यू क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रेचक, आंसर, व्हाइल परफॉर्मिंग रेचक वी क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ अवर रिंग फिंगर. ये आपके थे 5 क्वेश्चन आंसर, ये आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करने हैं. Thank you.